सुबह मुझे उठना है, इसीलिए मैं 10 बजे उठती हूँ। मैं बीच में लड़ाई नहीं है तो लड़ाई हमारी बहुत होती है, पर आप लोग को दिखती नहीं है। देख रही हैं कि हर परिवार में प्रॉब्लम है, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो ऑफ कैमरा ही सारी चीजें सॉल्व हो जाए, ऑन कैमरा ना आए। सो गाइस, अब देख सकते हैं रात के 4 बज रहे हैं। आप चार बज सोचते होंगे ना कि मैं 11 बजे क्यों उठती हूँ, इसलिए एकदम अंधेरा है। गाइस, मुझे नींद नहीं मार रहा है अभी, मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे रूम में मैं चाहती हूँ ना कि जब भी ऑफिस से आए ना तो भैया अपने कमरे में जाकर सोया करे। तो बस मुझे सुबह उठना है, मेरी आँखें जल रही है, लेकिन फक मैन नहीं सो रहे हैं ना, सो पा रही हूँ। तीन गोल मार दिए, नहीं तो अर्जेंटीना के जो पौने 4 बजने यार, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज से। 4 बज गए हैं। अब रूम में क्या होता है ना, रूम में अगर कोई गेम खेल रहा है चाहे कुछ भी ऐसा कर रहा है ना, तो मतलब नींद नहीं आती मुझे। मुझे चाहिए होता है जब मैं सो तो उससे पहले पूरी दुनिया सो भाई, पैसा वसूल, जितने भी लोग हैं तो एक भी बंदा जगा रहा तो मुझे नींद आती ही नहीं है। पैसा वसूल भाई, अलवारेज ने। और सुबह मुझे उठना है इसीलिए मैं 10 बजे उठती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा के पूजा करके चाय नाश्ता अपना करके आराम से बैठी थी। मैं सोच रही हूँ कि मेरे वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे कंटेंट में दम नहीं है। दम के लिए चाहिए कंट्रोवर्सी, जो कि आजकल यूट्यूब पे हर कंट्रोवर्सी पति ने मारा बहुत तेज से, मुझे तेज से मारा गाल पे। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं है तो लड़ाई हमारी बहुत होती है, पर आप लोग को दिखती नहीं है। देख रहे हैं आप ऑन कैमरा हमारी लड़ाई हो गई, भयंकर वाली लड़ाई हो गई। ये है कंट्रोवर्सी, ऐसी कंट्रोवर्सी लानी पड़ेगी तभी हमारे वीडियो ट्रेंडिंग करेंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे यही चल रहा है। मेरा पूरा दिन ऐसे ही दो लोग के यूट्यूब वीडियोज में ना निकल गया। लेकिन मुझे ये आ रहा था कि अगर आप लोग की फैमिली मैटर वाली चीजें थी, कॉन्ट्रोवर्सियल बातें थी, तो एक एक घंटा दो दो घंटे की वीडियो क्या बनाने की जरूरत थी। इन शॉर्ट भी तो आप बातें कर सकते थे ना, तो इन शॉर्ट बातें करें। अब आप लोग समझ लो, उस दो घंटे एक घंटे के वीडियो में इतने डॉलर बने हैं, इतने डॉलर बने हैं। एक बंदा कह रहा है ये व्यूज के लिए कर रही है, ये बंदा कह रहा है वो व्यूज के लिए कर रही है, पर दोनों ही व्यूज के लिए कर रहे थे, क्योंकि अगर उनकी बातें होती ना तो आपस में से बातें हो जाती। हर घर में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ उनके घर की प्रॉब्लम नहीं है, हर घर में प्रॉब्लम है। बट क्या होता है कि सोशल मीडिया पर हर चीज आप ला के नहीं दिखा सकते हो। हाय गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो अभी मैं बैठी थी तो मैं देख रही थी ना कि यूट्यूब पे हो क्या क्या है, मतलब जिसको देखो उसको मतलब कंट्रोवर्सी वाली बातें ही करी जा रही हैं। तो यूट्यूब पहले क्या होता था ना, यहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखाते थे, आपके अंदर कोई भी मतलब टैलेंट है तो उसको यहाँ पे अपने शब्दों में अपने तरीके से रिप्रेजेंट करके या लोगों तक पहुँचाते थे। बट जो मैं अभी देख रही हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी बिकती है। अगर आपके पास कॉन्ट्रोवर्सी है, आप यहाँ पे परोसते हो, तो आप बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, बहुत अच्छे से अच्छा रेवेन्यू आप कमा सकते हो। सोचिए, एक ने एक घंटे की वीडियो डाली, एक ने दो घंटे की वीडियो डाली, एक 10 मिनट की वीडियो अगर आप 1.5 लाख 2 लाख व्यूज आते हैं ना, तो आपके $100 आराम से बन जाते हैं। दो दो घंटे की वीडियो पे अगर 7-7, 8-8 लाख व्यूज आ रहा है, इससे तो यही प्रूफ होता है कि आप लोग को झगड़ा जो भी है ना घर के अंदर नहीं सुलझाना है, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही सुलझाना है, क्योंकि उससे आपकी एक वीडियो से कम 3-4 हजार डॉलर आराम से बने होंगे। तो अब एक ने एक घंटा का वीडियो डाला था, दूसरे ने 2 घंटा का डाला, बट लड़ाई को वहां से बैक कैमरे से जाकर सॉल्व नहीं करी गई। तो कभी कभी लगता है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब माइंड से इस चीज को दिखा रहे दुनिया को, लेकिन ये चीजें ना सही बताओ तो ये चीज बहुत गलत है। आधे लोग उसमें से ना सिंपैथी दे रहे हैं, आधे लोग उस चीज का तमाशा बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि सोशल मीडिया में ये चीज़ देख के हर इंसान को सीख लेनी चाहिए कि हर परिवार में प्रॉब्लम है, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो ऑफ कैमरा ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए, ऑन कैमरा ना आए। सो गाइस, तो उनमें से एक बंदा एक घंटे की वीडियो बना रहा है, एक बंदा 2 घंटे की वीडियो बना रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तीसरा बंदा उसमें टपक के आके अपने फायदा यूज कर रहा है, मतलब अपना फायदा ले रहा है उसमें से। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आपने एक ने वीडियो डाली, अब उस पर घर में डिस्कस कर लो, जो भी बातें हैं वहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। नहीं, सामने से कैसे सॉल्व करेंगे, तुमने उसमें $2,000 कमा लिया, मैं तो $4,000 कमाऊंगी। तो दूसरे बंदे ने आके 2 घंटे की वीडियो अपलोड कर दी। भाई साहब, मतलब दोनों को ही पैसा चाहिए। देखो, पैसा तो हर किसी को चाहिए, बट इस तरह से पैसा मतलब
ऊपर से क्या है ना कि चलो जिसकी बातें थी ना, जिस जो पहले वीडियो डाला था उसकी बातें वैलिड थी, इसलिए क्योंकि इतने सालों से, 3 सालों से उस बंदी को लोग पूछ रहे थे कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। और क्या हुआ था कि, खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, उनकी अपनी पर्सनल व्यू, मैं सिर्फ वीडियोस देखती हूँ, अपनी ओपिनियन नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं भी एक एज अ क्रिएटर देखती हूँ और एज अ व्यूअर दोनों तरीके से देखती हूँ। तो एज अ क्रिएटर भी मुझे समझ में आता है कि इतना बड़ा बड़ा वीडियो डालने का क्या मतलब है, और एज अ व्यूअर भी समझ में आता है कि क्या चल रहा है इनकी एक्चुअल लाइफ में। तो मैं दोनों साइड से देखती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। मैं तो यही कह रही हूँ ना कि आजकल मार्केट में यही बिक रहा है, एक दूसरे को जलील करो, एक दूसरे को बदनाम करो, उसके बदनामी की रोटी खाओ, और मतलब वो ज़्यादा दिन फलता भी नहीं है, ठीक है। उसमें जो सही रहेगा ना, चलो उसका फल भी जाएगा, बट जो गलत तरीके से करता है ना, तो ये साल कर्मों का साल है, वो कर्मा किसी को माफ़ नहीं करता है। तो जो भी इसमें गलत है ना, प्लीज़ सोच समझ के करना, क्योंकि आप ऐसे करोगे ऐसे कर्म आ जाएगा, फिर से इंस्टेंट कर्म इस बार दिख रहा है। तो दोनों के वीडियो देख के ना मेरे 3 घंटे बर्बाद हुए थे, 3 घंटे। सोचो मैं 2 घंटे की वीडियो में इतना सा भी मैंने स्किप नहीं किया था, मैंने पूरे के पूरे देखे थे। फिर मैंने कहा भाई मैं क्यों देख रही थी, मैं क्यों देख रही थी, उसमें एक भी वैलिड पॉइंट नहीं था। प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने कोई बात रखी, ठीक है, आपको ऑन कैमरा के बात रखनी है, रखो, बट पॉइंट वाइज रखो। ये नहीं कि रोए जा रहे, कोई फिल्मी ड्रामा थोड़े ना चल रहा है यहाँ पे, या कोई सीरियल थोड़े ना चल रहा है कि हम रोने वाला देख के, रोने वाला जो आज एपिसोड आया तो हम रोने वाला वीडियो देख के इमोशनल हो गए। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपने ऐसा नहीं किया। हम किसी को गलती नहीं बोलेंगे, किसी को सच नहीं बोलेंगे, हम एज अ व्यूअर देखते हैं, अपने इंटरनेट से देखते हैं। लेकिन जो आप लोगों ने मेरा टाइम बर्बाद किया है ना, पूछो मत। 2 घंटे की वीडियो कौन डालता है यार, अब वो भी 2 घंटे की वीडियो, मतलब लाखों में व्यूज आए हैं, 8-10 लाख व्यूज आए हैं भाई साहब। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि यूट्यूब मार्केट में क्या बिकता है। अभी तक तो मैं क्लिकबेल टाइटल, मैं एक छोटा सा क्लिकबेल टाइटल लगा देती हूँ ना, मेरे पति पहले थक, तुमने क्यों लगाया है, अभी लोग अपने पे ले लेंगे। अभी आप भाई मैं किसी के लिए नहीं बनाती हूँ। पहली चीज, उन्हें ये लगता है कि लोग जैसे गलत तरीके से ले लेते हैं ना, मतलब मेरे देखा जाए तो मेरे रिलेशन में, मेरे दूर दूर तक कोई भी यूट्यूब फील्ड में नहीं है, और जो लोग हैं भी ना तो वो नए नवेला भी हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो मैं जो करती हूँ ना, तो उसमें अगर मैं टाइटल भी थोड़ा बहुत ट्रिकी टाइटल लगाऊंगी तो मेरे हस्बैंड कहेंगे कि अरे यार कुछ ऐसा मत करना कि लोग अपने पे ले लेंगे। पहली चीज़ मैं उन्हें बोलती हूँ कि जब मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं सिर्फ खुद को देखती हूँ, अपने ऑडियंस को देख के बात करती हूँ। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आता है कि ये उसके लिए उसके लिए उसके लिए, क्योंकि ये चैनल मैंने खुद के लिए खोला है, खुद की मतलब एक अलग बेस पे खोला है, कि जिस पे ऑफलाइन की दुनिया से मुझे कोई भी मतलब नहीं रखना होता है। ऑफलाइन अगर मुझे कोई बोलेगा तो ऑफलाइन ही सुनेगा, ऑनलाइन कोई बोलेगा तो ऑनलाइन सुनेगा। टच की मुझे ऑनलाइन अभी कोई बोला नहीं कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी ऐसा टाइटल लिखती हूँ ना, तो मैं मतलब निधन को बोल भी देती हूँ कि ये क्लिकबेल टाइटल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनको ये है कि एक साफ सुथरा वीडियो बनाओ, सिंपली अपना ट्रेवल के वीडियो बनाओ, अपना ये बनाओ। मैंने बोला ऐसे तो मैं कभी भी मतलब एक तरीके से मेरा चैनल कभी ग्रोथ करेगा ही नहीं, कि अगर मैं सबका सोचती रहूँगी ना कि मेरे वीडियो देख के फलाना ये जज करा, फलाना वो जज करा, तो भाई मैं यहाँ पे ना तो आपके बारे में, किसी के बारे में कुछ बोलने वाली हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल से रिलेटेड या मेरे इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप टिप्पणी मेरे ऊपर कसो कि आपके लिए, आपके भाई दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, सब कोई अपने पर नहीं लेता है, और अगर लेता हो तो लेता रहे यार, प्लीज़ जो भी बात है ना कमेंट सेक्शन में आके बोल दिया करो। इससे क्या होगा ना कि मेरे लिए भी एक अच्छा हो जाएगा कि आप व्यूज़ देखते हो तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कौन कौन मेरा वीडियो देखता है, तो अच्छी बात है। थैंक यू बोल दूँगी आप लोगों को बदले में। तो यही बात है कि मुझे अपनी बात यही रखनी थी कि YouTube पे बहुत मतलब गंदगी तरीके से फैल चुकी है। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या नहीं कहना चाह रही हूँ।